आपके घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि मतलब ये काम मत कीजिए? घर वालों को बताया ही नहीं था ना, बिना बताए ये काम कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी आर्यन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और मैं अभी फिर से आ गया हूँ पटना में ग्रेजुएट ट्रैवल से मिलने के लिए। इनका टी स्टॉल है पटना वुमेंस कॉलेज के बगल में, तो चलिए इनसे मिलते हैं और कुछ इनसे बातें करते हैं। और देखिए यही इनका टी स्टॉल है ग्रेजुएट चाय वाली की, अभी चाय बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दीदी है प्रियंका दीदी है ग्रेजुएट चाय वाली, तो चलिए इनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं इनसे। तो चलिए अभी हमारे साथ है ग्रेजुएट चाय वाली यानी कि प्रियंका दीदी। तो दीदी आप कैसी है? दीदी आप कैसी हैं? अच्छे हैं। दीदी आप कैसे शुरुआत की, मतलब किन से इंस्पायर होकर शुरुआत की आप? MBA चाय वाले से। कैसे? मतलब ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा था तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे क्यों रहना, खुद का मैंने कुछ किया इसीलिए। आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है? बनारस से। आपका मतलब फुल नाम क्या है? प्रियंका कुमारी, प्रियंका गुप्ता जो भी बोल लो। किस जिला से आप बिलोंग करते हैं? पूर्णिया जिला से। आपके घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि मतलब ये काम मत कीजिए? घर वालों को बताया ही नहीं था ना, बिना बताया ये काम कर रही थी। जब आप जॉब की तैयारी की 2 साल, तो मतलब उस वक्त ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत मेहनत उधर भी था, लेकिन ठीक है नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लिए। आप घर जाते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं जा सकते ना, अभी मेरा बिजनेस है, कैसे जाएंगे अभी। आप डेली कितना सेल कर लेती है? अरे एवरेज 300 कप सेल हो जाता है, 300 कप चाय बिक जाता है। आपका शॉप कब से कब खुलता है? सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक। बंद भी रहता है कभी? बंद रहता है, लेकिन कल खुलेगा, कल संडे को इसलिए खुलेगा क्योंकि 3 दिन से ऑलरेडी बंद था मेरा दुकान। मैंने सुना कि मतलब आपको कोई ठेला गिफ्ट कर रहा है? नहीं, एक भैया है उन्होंने मुझे हेल्प ऑफर करी है स्टॉल देने की, तो फिर हाँ वही हेल्प कर रहे हैं। वो भैया का मैन्युफैक्चर करते हैं सारे जितने भी फूड ट्रक्स है ना सबका। आपके फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं? मेरे फैमिली में मम्मी पापा है, भाई। अभी मतलब आपकी अभी आप पढ़ती हैं कि मतलब अभी पढ़ाई लिखाई क्यों करना, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, बस हो गया। थैंक यू। आप पब्लिक क्या कहना चाहेंगे, आप आपके शॉप के साथ साथ अभी वायरल रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग भी? बस हो गया सर, कुछ बोलिए ना, मतलब प्लीज प्लीज आप कुछ मोतिहार से आए हुए हैं कुछ बोल दीजिए, 3 दिन से फिर कर जा रहे हैं, पब्लिक को मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक को क्या कहना चाहूँगी, उनका सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना सर, अच्छा लग रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए। और जाते वक्त चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा चैनल? अच्छा गोपी आर्यन ब्लॉग, अच्छा है, मतलब मैंने तो नहीं देखा ना आपका जो भी चैनल है, मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में? ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनके चैनल को, साथ ही साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली, आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर डेली वीडियोज़ भी अपलोड होते हैं। चाय आपके कितने प्रकार का बनता है? 4 तरह का सर। मतलब उसमें क्या क्या मिलाया जाता है इसमें बोल दीजिए ना? क्या मिला जाएगा? चीनी पत्ती दूध, चीनी पत्ती दूध, केसर से कौन सी मिला जाता है? नहीं हम आपको रिवील नहीं कर सकते ना, मेरा सीक्रेट रेसिपी है, ऐसे थोड़ी ना कोई बता देगा। चाय का रेट क्या है आपका? 15 से 20, 15 वाला कितने टाइप का चाय? प्लीज हमको काम कर लेने दीजिए, बोला तो मैंने 4 टाइप के चाय, क्यों डिस्टर्ब कर रहे, लेट मी डू माय वर्क। ठीक है दीदी, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, चाय पीते हुए जाइए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे कुछ सर लोग है, तो सर आप पहली बार आए हैं कि? या फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग। अभी चाय पिए हैं कि नहीं? चाय पी लिए, चाय टेस्टी है, अच्छा चाय है ना। सर आप मतलब पहली बार आ रहे हैं कि? नहीं पहली बार यहाँ चाय पीने के लिए। कैसा लगा चाय पीकर? चाय बहुत ही अच्छा है, टेस्टी चाय है, मसाला चाय पिए हैं, बहुत अच्छा बढ़िया चाय है। आप किस जिला से आए हैं, आपका नाम क्या पड़ेगा? मोतिहारी से आए हैं हम। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? अनुज कुमार, अनुज कुमार। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं? कटिहार। आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। चाय पी कर कैसा लगा? चाय बहुत ही अच्छी है, बहुत ताजगी भरी है, काफ़ी हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं चाय पीने के बाद, एक रिफ्रेशमेंट महसूस हो रहा है। तो आज आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।